आपकी तरह कोई और भी है जिसके फेवरेट है पप्पा। कौन? गुरमीत चौधरी और उनकी वाइफ। और पता है वो कहाँ पहुँचे हैं? दर्शनों के लिए। किधर? लाल बाग के राजा। बहुत लोग बैठे हैं लेकिन मन्नत के राजा के दरबार तक पहुंचना नहीं है इतना आसान। और एक ऐसी ही कोशिश फिलहाल सास बहू और बेटिया के साथ कर रहे हैं गुरमीत और देवीना। मैं आपको बताऊं कि हम लोग पिछले 5 साल से सोच रहे थे कि लाल बाग का राजा जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे, लेकिन क्या मौका हमें मिला है। मेरा मानना है कि जब भगवान चाहते हैं मिलने के लिए, तब भक्तों को बुलाए तभी होता है ये मिलन। तो मुझे लगता है कि शायद हमें बुलाया तो हम जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया। इसी नारे के साथ गुरमीत अपनी पत्नी देवीना के साथ गोरेगांव से निकल चले हैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने। बस फिर क्या था, पहुंच गए लाल बाग। चारों तरफ मानो मेला सा लगा हो। दूर दूर तक लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। जी हाँ, 1 किलोमीटर चलकर इन्होंने की है नंगे पांव ये पद यात्रा। तो गुरमीत, पहली बार ऐसे नंगे पांव चल के जा रहे हैं पापा के दर्शन के लिए? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि ये होता है एक्चुअली दर्शन, आप नंगे पांव जाओ और जो मजा उसमें है वो मुझे लगता है कि गाड़ी में बैठ के सीधा वहाँ पे उतर के सीधा वहाँ जाओ वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि सही लग रहा है कि सही में दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते चलते इन्हें जरा लाल बाग के राजा का एक खास नारा सिखा देते हैं। बोला जाता है ईशान कोणाची लाल बाग के राजा ची। ईशान? ईशान कोणाची लाल बाग के राजा ची। बोलो। ईशान कोणाची लाल बाग के राजा ची। ईशान कोणाची लाल बाग के राजा ची। हमने माला प्रसाद लिया हुआ है और बाकी पूरा आस्था और पूरे प्रेम से जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जाके इतने सालों का जो वो कहते हैं ना इंतजार, वो अब जाके खत्म होने वाला है। सोचिए इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगती है, लोगों को कितने घंटे इंतजार करते हैं तब भी मुख दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये वही मैं देख रहा हूँ कि चारों बगल से लोग हैं और सब दर्शन के लिए। ये श्रद्धा, ये जो ताकत है, ये जो एनर्जी है, आप ये मान सकते हैं कि कितनी एनर्जी होगी वहाँ पे। आप इसीलिए कहते हैं कि जब आप मन से कुछ मांगते तो वो पूरा हो जाता है। खत्म हुई इंतजार की घड़ियाँ। छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए आखिरकार पैदल चलकर हम पहुँच ही गए बप्पा के दरबार में। गणपति बप्पा मोरिया। बस फिर क्या था, सिर झुकाए और आंखों में बप्पा को समाए। लीजिए, हो गए गुरमीत और देवीना को बप्पा के दिव्य दर्शन। पप्पा के दर्शन मात्र से ही इनकी सारी थकान छूमंतर हो गई। फाइनली बहुत भीड़ थी लेकिन जब पप्पा को आपने हमने दूर से देखा वो जो एनर्जी आई और सारे मतलब गर्मी और इतनी भीड़ सब भूल चुके थे, भीड़ सब कुछ हम भूल गए और बस एकदम पप्पा और मैं, ऐसा मुझे लगा, तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा और सब कुछ आजू बाजू से आउट ऑफ फोकस हो गया था। जो रास्ता है जहाँ से आप दूर से पप्पा को देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि आधे लोग जो दूर से देख रहे हैं उनकी वो थकावट तो वहीं से दूर से निकल जाती होगी उनकी। हाँ, एकदम नज़दीक पहुँचने के बाद पप्पा की मूर्ति देखने के बाद अलग एक एनर्जी आ जाती है और आप एकदम खींचे चले जाते हो। बहुत अच्छा लगा। वैसे समय तो बहुत कम मिलता है पापा के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के कुछ भी देखने का, लेकिन कहते वही वक्त होता है अपनी मन्नत मांग सकते हैं। वो मौका मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल, मन्नत दूर से ही स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा हिंट में मिल सकता है कि मन्नत क्या हो सकती है? नहीं, मन्नत बताई नहीं जाती। हाँ, है बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब मन्नत पूरी हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम ये इंतजार करेंगे जब आपकी मन्नत पूरी हो तो वो मन्नत आप सबसे पहले सास बहू और बेटिया के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन प्रशांत के साथ शिखा चौधरी, डोगरा, मुंबई, आज तक। पता है सलोनी, इस पूरे पंडाल को डिजाइन किया है बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने। कैसा लग रहा है आपको? वाह, कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। और आज